अरे फूफा, फूफा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अरे फूफा हाथ के ऊपर का रखे हैं, मैंने कौन सी गंतान राखी है? अरे ऊपर देख ले, कुछ पकड़ रखा है। ये क्या है? घड़ा। शहर में आके तू ये भी भूल गया कि इसे घड़ा कहते हैं। ले पकड़ी से। लाओ लाओ। राम राम फूफा जी। राम राम बेटा, राम राम। अरे कलश कहाँ से उठा के ले आए? अरे बेटा कलश नहीं, घड़ा है ये, जो अब मेरे पास पड़ा है। अच्छा वो एक काम कर, इसमें तू पानी भर दे, फिर बाद में हम सब ठंडा पानी पियेंगे। अरे फूफा जी हमारे घर में तो फ्रिज है ना, तो फिर इस घड़े का क्या काम? फ्रिज? अरे मुझे ना पीना फ्रिज का पानी। पिछली बार जब तुम्हारे यहाँ आया था तो फ्रिज का पानी पी के मैं बीमार पड़ गया था। अरे मेरी तो आते सिकुड़ गई थी। अरे फूफा जी आपके यहाँ पे फ्रिज के पानी से थोड़ी सिकुड़ी थी। अरे वो जो आपने ठंडे पानी में देसी ठर्रा पिया था उससे सिकुड़ी थी। इस बार अंग्रेजी के इंतजाम है। मेरे घर में ना ये पेकड़ी नहीं चलेगी। लो भाई अब मैं पेकड़ बन गया हूँ। मैं पेकड़ हूँ, यही इज्जत रहेगी मेरी इस घर में। एक काम करता हूँ, मैं तेरी बुआ को ना इस घर में भेज दूंगा। बुआ को रखियो, मैं जा रहा हूँ। लो मेरे नए जूते का। मैं अरे फूफा फूफा फूफा, नाराज क्यों होते हो तुम भी ना? माफी मांगो फूफा जी। फूफा जी माफ कर दीजिए, सॉरी। ठीक है फूफा, इतने गर्म क्यों हो रहे हो? आपको रूह अफ़ज़े वाला पानी पिलवाता हूँ। वो एक काम करियो, रूह अफ़ज़ा तो बना लियो, पर बनाइयो मटके के पानी में। अरे फूफा जी रूह अफ़ज़ा तो चिल पानी में बनता है ना। अरे बहुत तू कैसी बात कर रही है? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे फ्रिज का पानी न पीना, और तू मुझे कह रही वो चाइल्ड चाइल्ड पाइल्ड पर क्या चाइल्ड चाइल्ड क्या बोले? चिल फूफा जी चिल, चाइल्ड नहीं होता है, चिल्ड यानी कि ठंडा पानी। और फूफा ठीक ही तो कह रही है, अगर आपको फ्रिज के ठंडे पानी से दिक्कत है तो उसमें सादा पानी मिला देते हैं। मांगे राम नाम है मेरा, और तुम्हें पता ना तेरा फूफा हूँ, खाने पीने की चीजों में मिलावट बिल्कुल पसंद नहीं करता मैं। अरे फूफा जी अरे अब हम आ रहे हैं, घर के बड़े दामाद की यही इज्जत रहेगी है। मुझे नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ, मेरे जूते लाओ मैं चला। अरे फूफा फूफा ये क्या कह रही है, इसकी बात तो सुन लो। फूफा जी मैं तो ये कह रही थी कि अगर आपको मिलावट वाला पानी नहीं पीना है तो आप सादा पानी पी लो। मतलब कि तुम लोग मुझे घड़े का पानी नहीं पिला सकते जबकि मैं खुद लेकर आया हूँ? अरे फूफा मटके में पानी ठंडा होने में टाइम लगता है, इसलिए बोल रही है। ना रूह अफ़ज़ा ना सादा पानी पीऊंगा तो घड़े का ताजा। अरे फूफा जी आप भी कमाल करते हो, आखिर क्या है इस मटके में? आपको पता भी है इसमें कितने बैक्टीरिया होंगे, और फिर यही पानी जब आप पियोगे तो आपके पेट में कीटाणु हो जाएंगे, कीटाणु। अरे तुझे पता भी है कीटाणु ना शहरी लोगों के दिमाग में होता है, और तू क्या कह रही है? भाई बचपन से हमने पानी पिया है, और तेरा ये पति इसने भी खूब पानी पिया है, तू हमें बता रही है? और जो तू कह रही है कीटाणु बैक्टीरिया ये तुम्हारे फ्रिज में होता है, इससे लोग बीमार ना पड़ते, पूछ इससे जरा। अरे फूफा अरे यार आप तो फ्रिज के पीछे ही पड़ गए। देखो फ्रिज में और भी तो अच्छी चीजें हैं, जैसे कि सब्जियां ताजा रहती हैं, दूध दही घी ये भी ताजे रहते हैं। देख भतीजे बासी सामान बासी होता है, और तुम दो शहरी लोग हो, बड़े ही वो कहते हैं आलसी होते हो, 15-15 दिन पुरानी सब्जी लेके आनी और फ्रिज में घुसा देनी, बस फिर वही खानी बासी सब्जियां। बासी सब्जियां खा के तो तुम्हारी शक्लें बासी सी हो रही हैं, 4 दिन पुरानी सब्जी खा लोगे, चाहे सब्जी हो चाहे दाल, बस वही खिला देते हो। अरे इतनी पुरानी भी नहीं खाई फूफा जी, 2 दिन से ज्यादा पुरानी दाल आज तक नहीं खाई। सुन लिया भतीजे, सुन लिया तूने? 2 दिन पुरानी दाल, यही खा खा के तो हमने बीमार पड़ गए हैं। पिछली बार जब मैं तुम्हारे घर आया था ना, तुमने मुझे वही खिलाई थी, इसलिए मैं बीमार पड़ा था। मैं नहीं यार रुकूंगा भतीजे, मैं जा रहा हूँ, मेरे जूते लाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे फूफा फूफा यार बात बात पे नाराज हो रहे हो, अगर पापा को पता चली तो मेरी ऐसी तैसी कर देंगे। तुम्हें मटके का पानी पीना है ना, मैं मटके का पानी पिलाता हूँ। दिव्या ये लो। अरे इतनी देर से बोल रहा तब समझ नहीं आई तुझे? फूफा जी किसी को बोलने कहाँ देते हो आप, इतने बातूनी हो। लो अब मैं बातूनी हूँ? नहीं मैं बातूनी हूँ है भाई, भतीजे के घर आया था, सोचा था बैठ के 4 बातें करूंगा, लेकिन नहीं बेइज्जती करवा ली, ये इज्जत रहेगी मेरी। बेटा मुझे ना रहना, मैं जा रहा हूँ अपने घर में, मेरे नए जूते ला, मुझे नहीं रहना, मैं चला। अरे फूफा फूफा तुमने जूते पहन रखे हैं यार। अरे फूफा जी आपने मुझे माफ कर दो, मैं पानी भर दूं मटके में? हाँ बेटा भर दे जा तू। अरे क्या फूफा आप भी हमेशा गर्म ही रहते हो। इस साल ना गर्मी बढ़ती जा रही है, तू भी ना घड़े का पानी पी, सबसे अच्छा, ना बीमार हो बूढ़ा ना बच्चा। वाह भतीजे मजा आ गया, देखा 5 मिनट में
मटके का पानी ठंडा हो गया। अरे ठंडा तो होगा ही ना फूफा जी, उसमें मैंने बर्फ डाल दी थी। अरे पागल औरत, घड़े में बर्फ डालने से घड़ा खराब हो जाता है। मेरा मटका कहाँ है? घड़ा तो वही है। चलिए घड़ा।